परशुराम का वंशज एकदम परशुराम और कृष्ण वंश सदियों से एक ही है और एक ही रहेगा, नहीं टूटेगा, कभी नहीं टूटेगा। भूमिहार समाज राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, तमाम भूमिहार वर्ग ब्रह्म ऋषि समाज जितने परशुराम वंशज है तमाम लोग राष्ट्रीय जनता दल का वोट करने के लिए जा रहे हैं। बीजेपी वाले से पूछिए, महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, तमाम बिंदु पर वो चर्चा नहीं करते हैं, केवल हिंदू और हिंदुस्तान और पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान की चर्चा कर रहे हैं। लोग असली नहीं, वो लोग असली सनातनी, असली चुनावी हिंदू हैं। हम लोग सनातनी हिंदू हैं, अंतर यही है, केवल ये वोट के लिए हिंदू हैं, हम लोग वंशावली हिंदू हैं। बीजेपी वाला हिंदू रहता तो मुसलमान जमाय करता, ये बताइए। एगो बुतरू के तेजस्वी जो विश्व का नेता है वो मोदी के लिए काफी है, एक बुतरू के सब पर भारी है। चाह लेंगे तो एकदम अमर तेजस्वी एकदम कसम खा लिया लालू यादव के साथ देना है, बिल्कुल। हाँ जी, अभी हम मौजूद है राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश कार्यालय पटना में, और ये जो आप देख रहे हैं ये लोग आरजेडी के तमाम लोग नेता है, इनसे हम बात करते हैं कि आखिर ये लोग आरजेडी कार्यालय में क्यों आए हैं, और आरजेडी कार्यालय में आए हैं तो क्या लग रहा है आने वाले 2024 में आरजेडी जो है क्या जीत पाएगी, या 40 के 40 सीट जिस तरीके से कहा जा रहा है कि महागठबंधन जीतेगी और एनडीए दावा कर रही है कि एनडीए 40 के 40 सीट जीतेगी, इन्हीं लोगों से जानते हैं क्या लग रहा है आप लोग सबसे। उन्होंने जो नारा दिया था ये राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है, उन्होंने जो नारा दिया धरातल पर कार्य करने का भी काम कर रहे हैं। मतलब आपको लग रहा है कि A to Z की पार्टी, श्री बाबू का जो सपना था, श्री बाबू का जो सोच था उसके अनुरूप सदियों से राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा कार्य किया जा रहा है। मतलब श्री आपको आपको सर लग रहा है कि A to Z की पार्टी है? हाँ स्पष्ट है, लेकिन बीजेपी तो कहती है कि A to Z की पार्टी नहीं, MY की पार्टी। वास्तव में श्री कृष्ण सिंह का, वास्तव में उनका माने विचारधारा पर कोई पार्टी अगर बिहार में कार्य की है और उनके विचारधारा पर चलने का कार्य किया है तो वो राष्ट्रीय जनता दल है, और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी दलित पिछड़ा अति पिछड़ा की बात करते हैं। श्री बाबू ने जमींदारी उन्मूलन की चर्चा करके गरीबों के बीच भूमि के वितरण करने का काम किए, अपने शरीर पर लाठी खाकर दलितों को मंदिर में प्रवेश करवाने का काम किए, उनके बचे हुए कार्य को राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने कार्य करने का काम किए हैं, और खास करके ब्रह्म ऋषि समाज के लोग संपूर्ण बिहार में इस बार राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, राष्ट्रीय जनता दल को वोट करने के लिए जा रहा है। और जहां तक रही बात भूमिहार समाज राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, तमाम भूमिहार वर्ग ब्रह्म ऋषि समाज जितने परशुराम वंशज हैं तमाम लोग राष्ट्रीय जनता दल का वोट करने के लिए जा रहे हैं। सब लोग बीजेपी तो कह रहा है कि सिर्फ ये MY की पार्टी है। अरे भारतीय जनता पार्टी तो केवल इस देश में धर्मांध के नाम पर देश को खंडित करने का षड्यंत्र रच रहा है। बीजेपी वाले से पूछिए, महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, तमाम बिंदु पर वो चर्चा नहीं करते हैं, केवल हिंदू और हिंदुस्तान और पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान की चर्चा करने वाले। तो हिंदू की बात करेंगे ना, समस्या है, हम लोग हिंदू नहीं हैं। आप लोग असली नहीं, वो लोग असली सनातनी, असली चुनावी हिंदू हैं। हम लोग सनातनी हिंदू हैं, अंतर यही है, केवल ये वोट के लिए हिंदू हैं, हम लोग वंशावली हिंदू हैं। आप लोग हिंदू है, बीजेपी वाले हिंदू नहीं है? बीजेपी वाला हिंदू रहता तो मुसलमान जमाय करता, ये बताइए। बीजेपी के विश्व हिंदू परिषद का जो है उनका जमाय बीजेपी के नम्हर नेता है मुख्तार साहेब जो अब्बास नकवी है, विश्व हिंदू मनोहर जोशी के दामाद है शाहनवाज, वो तो मान लीजिए कि प्यार मोहब्बत होते रहता है, ठकने का काम कर रहे हैं, ठक रहा है। असली हिंदू हुआ बाबू लालू प्रसाद यादव जो कृष्ण वंश का जन्म लिए है और अभी भी चला रहे हैं, सब पार्टी A to Z को साथ लेकर चलता है, वही हिंदू हुआ। मतलब परशुराम को मानने वाले लोग लालू यादव के साथ हो गए हैं, पूरा है, अभी नहीं है, पीछे से भी हैं, सब दिना बाबू लालू प्रसाद यादव सब जाति को साथ लेकर चले, पहले ने भूमिहार मंत्री बना था, पहला रिकॉर्ड देखिए 15 साल के शासन में रामजीवन सिंह बना, दिलीप सिंह बना, बिना शाही बना, बहुत भूमिहार मंत्री बना है, संसद बना है, अखिलेश बाबू रोड पर घूम रहे थे वो भी भूमिहारे थे, लालू यादव उनको हाथ पकड़ कर टिकट दिया, पहले के मंत्री बनाया तब वो भूमिहार नहीं थे। मैंने अभी 24 में क्या लग रहा है मोदी को नहीं आना देना का, मोदी का पास इधर वोट देगा तो फिर मोदी का एगो बुतरू के तेजस्वी जो विश्व का नेता है वो मोदी के लिए काफी है, एक बुतरुक सब पर भारी है, मोदी के लिए तेजस्वी जी काफी है, काफी एक बुतरुक सब पर भारी है। लालू जी बाकी है अभी,
हाँ लालू जी भारी है मोदी जी पर एकदम, तो एकदम भारी है, एकदम दे देंगे तेजस्वी जी। जाति के देख के देते हैं नौकरी ना, नहीं दिए हैं इतना जो नौकरी दिए हैं देख के दिए न, तो कौन जाति है नहीं है, भूमिहार है कि कौन है, तो यही है कि बात कि जनता जो चाहेंगे वही करेंगे, जनता चाह लेंगे तो एकदम हम तेजस्वी एकदम कसम खा लिया कि लालू यादव के साथ देना है बिल्कुल। हाँ जी एकदम परशुराम का वंशज एकदम, परशुराम और कृष्ण वंश सदियों से एक ही है और एक ही रहेगा, नहीं टूटेगा कभी, नहीं टूटेगा कभी, नहीं टूटेगा। क्या कह रहे हैं आप, लास्ट बात बता दीजिए कि इलेक्शन में ये जो वोट है वोट में तब्दील होगा कैसे, भीड़ लगाने के लिए आप लगाएंगे? देखिए ये तो बीजेपी वाले को एहसास हो गया है, जब हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान पाकिस्तान पर लोग वोट नहीं देगा, लोग रोजगार पर वोट देगा। जिस चुनावी घोषणा पत्र मान्य जो बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री देश की युवाओं की आवाज़ जो चुनावी इनका घोषणा पत्र था, जब गठबंधन की सरकार बनी रोजगार का भरमार कर दिए, इनका एक इतिहास कायम हो गया, एक विभाग में एक दिन में इतने लोगों की नौकरी बिहार नहीं पूरे देश में किसी स्टेट में नहीं दिया गया, 1,20,000 1,20,000 ऐतिहासिक पुरुष के नाम से जाने जाएंगे हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो A to Z के नेता है। चलिए जो A to Z के नेता है माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, इनको इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज किया जाएगा तेजस्वी प्रसाद यादव। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि परशुराम के जो वंशज है वो खुले तौर पर समर्थन करते हैं लालू प्रसाद यादव का और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का और राष्ट्रीय जनता दल का। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि आने वाले 2024 में हम लोग नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करेंगे और महागठबंधन का जो है भारत में सरकार बनाएंगे। तो इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट्स में जवाब जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।